हम लोग सारे जा रहे हैं दिल्ली टूर पे। लाए तो अपने ले थे पर हमने ले ली थी इनसे, मैंने पहली बार पहनी थी ये। बेड हमने खोला है इसलिए क्योंकि हम लोग शादी के लिए जो है कपड़े निकाल रहे हैं। तो ये जो चार हैं ये चार लिपस्टिक मैक की हैं। तो गाइस हमारी वैक्सिंग वगैरह हो गई है, ब्लीच भी हो गया, फेशियल हमने कर दिया कैंसिल, चीकू के लिए बॉडी वॉश, चीकू के पापा के लिए शैम्पू, सब कुछ निकाल दिया। हम लेके कुछ और जाए तो पहनना कुछ और हो, कि पूरे परिवार की पैकिंग करनी है तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अभी बज चुके हैं 12, सब लोग उठ चुके हैं। आज चीकू स्कूल नहीं गया है क्योंकि चीकू कल पार्टी बर्थडे पार्टी में गया था। अब दो दिन की छुट्टी है, वैसे भी फिर तीन चार दिन हमारी वैसे छुट्टी होगी क्योंकि हम लोग सारे जा रहे हैं दिल्ली टूर पे। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह उठते ही चीकू ने पूरा जो है खिलारा पा दिया है। अब ये ट्यूशन जाएगा तो ये सारा सामान उठेगा, वरना ऐसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि इस लड़के को दुकान लगानी बहुत अच्छी लगती है। सफाई अच्छा, घर में ऐसे रखूं, ऐसे घर में रखूं, मार खाएगा तू, घर में कोई आएगा कितना बुरा लगेगा ये। तो यहाँ पे शांति ने सुबह के खाने की तैयारी, मतलब हमने ब्रेकफास्ट में तो पोहा खाया था, अभी लंच की तैयारी हो रही है। लंच में तड़का लगा रही है, पता नहीं किस चीज में लगा रही है। तो अभी फिलहाल कमरे का जो हुलिया है वो कुछ इस तरह का है। अभी फटाक से सारा जो है घर समेटवाती हूँ, घर को पहले क्लीन करवाती हूँ, उसके बाद जो है आज हमें थोड़ी सी ग्रूमिंग करनी है अपनी, क्योंकि शादी में जाना है तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वैक्सिंग वगैरह, फेशियल, ब्लीच, थ्रेडिंग, अपर लिप सब कुछ करनी है, घर में ही करेंगे क्योंकि घर में सारा सामान ऑलरेडी हमारे पास है, हम लेके आए थे। और ना हम सारा सामान इसीलिए लेके आए थे कि अब ना आगे आगे जाके ना हमें बाहर सलून में जाने का ना बिल्कुल वो नहीं रहेगा, कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो घर में ही करवा लें, इसलिए हम पहले ही सारा सामान ले आए थे। और उस दिन का फेशियल लाया हुआ, आज फेशियल करेंगे क्योंकि अभी धूप भी ठीक निकली हुई है तो फेशियल हो जाएगा। तो अरमान जी ने जो टी शर्ट पहनी है ना, मतलब हमारे लिए लेके आए थे, पर ये मेन्स वाली है, और लाए तो अपने लिए थे पर हमने ले ली थी इनसे, मैंने पहली बार पहनी थी ये और बहुत ही सुंदर लग रही है, और सच में ये इनको और मेरे को दोनों को आ जाती है। क्या हुआ चीकू, आप कुछ बोल रहे थे बेटा? हाँ चूड़ी क्या सेरेमी? चूड़ी सेरेमी? हाँ। चूड़ी सेरेमी, शादी थोड़ी हो रही है मेरी, कोई बात नहीं, तो मेहंदी सेरेमी कर लेंगे इस पे, ठीक है, इसलिए लेके आए आप नीचे से। बेड हमने खोला है इसलिए क्योंकि हम लोग शादी के लिए जो है कपड़े निकाल रहे हैं, कुछ जो हमारे पास ऑलरेडी घर में है वही निकाल रहे हैं, बाकी जो है बाहर से हमने परचेज किए हैं। पाई की शादी पे इतने सारे कपड़े आए थे, इतने कपड़े आए थे वहाँ पर, ग्रीन और येलो इतने कपड़े, मतलब अगर हल्दी और मेहंदी हो ना तो पाई हल्दी की ड्रेस भी पड़ी है। हाँ। और ये वाला पाई, ये तूने शादी के बाद पहना था ना? ये शादी के बाद। और एक ड्रेस गाइस आई थी ग्रीन कलर की जो मुझे मेहंदी पहनी थी, पर मेरे साथ क्या हुआ थोड़ा सा स्कर्ट की दिक्कत हो गई थी, तब मैंने कोई और सूट पहना था, बट वो भी ड्रेस पड़ी है। तो गाइस सारे घर की साफ सफाई हो रही है, तो ये वाले रूम की बेडशीट चेंज कर रहे हैं और ये वाली बिछारे ब्लू वाली। तो मैं क्या कर रही हूँ, काम करती हूँ, जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान है ना सब निकाल देती हूँ, सिर्फ परफ्यूम्स लगाती हूँ क्योंकि ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे सब ऐसे फैला फैला सा लग रहा है, तो यहाँ से सब सामान हटाती हूँ। आयल मैं क्या सोच रही हूँ, कुछ ना ऐसी वैनिटी हम लोग भी ले लेंगे ताकि जो हमारा जो महंगा वाला मेकअप है ना, अच्छा मेकअप, उसको ना अलग से सेट करके रख देंगे, कहीं जाना हो एक जगह सेट हो, हमारे चार चार पांच पांच डब्बे फ्री में मिली हम उससे मार लेंगे, उसका सामान निकाल दूं क्या? अभी दिल्ली में हमें जाना है सामान लेने, तो मैं वही बोल रही हूँ, हमारा बेस्ट मेकअप ना एक जगह होना चाहिए, हमें पता ही नहीं माना आधा मेकअप का है। मैं सोच रहा हूँ आज मेकअप की भी सेटिंग करते हैं और सबको व्लॉग में दिखाते हैं हमारे पास क्या क्या है, सबको पता है हमारे पास क्या क्या, हम आते हैं सबसे पहले सब्सक्राइबर्स को दिखाते हैं हमने क्या लिया है। यहाँ पे हमारा बच्चा जा रहा है ट्यूशन, कितना कितना पढ़ाकू बच्चा है मेरे, गोलगप्पी चीकू ये क्यों लेके जा रहे हो बेटा, साइड में बैठेगा अलग से। अच्छा सभी ना, मैं आपको ये बॉबी ब्राउन का पाउच तो मैंने आपको कल दिखाया था, फ्री मिला था, इसके अंदर जितनी भी हमारे पास ब्रांडेड लिपस्टिक है ना उसके सारे शेड दिखा देती हूँ। तो ये जो चार हैं ये चार लिपस्टिक मैक की हैं, ये शॉपरल की है, ये सिफोरा की है, ये स्मैच बॉक्स की है, ये बॉबी ब्राउन है, और ये शिमरी बॉम, ये एक ग्लिटर है बहुत ही सुंदर, ये मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से देखा था वहाँ से ऑर्डर किया है। बॉबी ब्राउन का जो फाउंडेशन है कन्फर्म आ चुका है, और मैंने इसका जो टोन मंगाया है जो मेरी स्किन से जाता है वो मैं बता देती हूँ, C056 कूल नेचुरल, जो कि मेरी स्किन से जाएगा, और मैंने अभी अभी ना यहाँ पे लगा के देखा है तो बिल्कुल बिल्कुल मेरी टोन का है। आज हमने जो है बेडशीट भी चेंज कर दी है सारे कमरों की, क्योंकि काफी दिन हो गए थे बेडशीट जो है वो चेंज नहीं हुई थी, इसलिए पूरी बेडशीट वगैरह चेंज हो गई है। अभी जो है घर में काम बहुत सारा बाकी है क्योंकि हमें पैकिंग भी करनी है सारी, और ये जो है ये ले जाना बिल्कुल नहीं भूलूंगी मैं साथ में, क्योंकि कभी भी हमें सुई धागे की जरूरत पड़ सकती है, तो ये भी रख लेती हूँ। बाकी बंटी भैया ने मंगा के दी है वैक्सिंग शीट, क्योंकि बेडशीट है ना खराब हो जाती है, और वहाँ पे भी गिर जाता है, नीचे भी गिर जाता है, तो तीनों जगह पे ये जो है वैक्सिंग शीट लगाऊंगी, उसके बाद जो है वैक्स करवाऊंगी। तो यहाँ पर ना पायल ना वैक्स हीटर के नीचे भी ना शीट लगा रही है, क्योंकि क्या होता है कि ड्रॉर पे ये जो हमारा कबर्ड है ना इस पे वैक्स गिर जाती है सामने, फिर इसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है, फिर हमें वैक्स ऑयल लगाना पड़ता है, तो पहले शीट रहेगी ताकि खराब ना हो। नितिन भैया आप फेशियल ब्लीच सब करवा रहे ना, पायल बहुत सारा सामान लेकर आई है, आप और चीकू के पापा सब करवा लो, बंटी भैया को बोलो और करवा लो, ठीक है, पायल चमकना है इसको, तो चमकना तो है ही शादी में, मेरी शादी में तो कोई चमका नहीं। हाँ किस
इसलिए क्या करवाया था? तो वैसे भी चमक रहे थे भाभी। नहीं चमक तो रहे थे, कपड़े तो अच्छे थे, बट ये कि फेशियल ब्लीच ये सब नहीं करवाया था ना। नहीं था ना, घर की शादी थी, काम धाम करे क्या करे। हाँ ये तो है। तो गाइज यहाँ पे ना मेरा मजेदार सा खाना आ गया, परांठा चटनी और लस्सी। थोड़ा सा लोगे? ठीक है भैया, आप ले लो खाना। नहीं, तो गाइज मेरी वैक्सिंग कुकी डन, अब मैं जा रही हूँ शावर लेने। शावर लेने के बाद जो है फेशियल और ब्लीच करूंगी, क्योंकि फेशियल और ब्लीच करने के लिए लेट नहीं है फिर से। तो पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि बॉडी वैक्स कराने के बाद ना चिपचिप हो जाती है, तो शावर लेना बहुत जरूरी है। तो शावर ले लेती हूँ, फिर ब्लीच लगा के छोड़ दूंगी, फिर फेशियल करूंगी। शाम होने से पहले मैंने ना, अभी अंदर इतना मतलब उजाला है अभी, तो शाम होने से पहले पहले फेशियल करा लूंगी ताकि ठंड ना लगे मुझे। मैं ग्लोवीटा वाला स्किन ब्राइटनिंग फेशियल लेके आई थी ना, तो इसमें से सिर्फ एक ही यूज हुआ था, अरमान जी ने किया था। और ये श्रेयल्स की वो लाई थी ब्लीच, ये बहुत अच्छी ब्लीच है। तो गाइस आज ना पानी अपनी आयरन की दवाई खाना भूल गई, क्योंकि इसलिए भूल गई क्योंकि इसकी आयरन की दवाई खत्म हो गई थी। है चल कोई बात नहीं, अब तू आयरन मत खाई, अब तो कैल्शियम ही खाई रात को। अब ऐसे मेरी आयरन वाली रखी हुई है, पायल ये वाली आयरन की है मेरी ये। तो यहाँ पे चल रही है शाम के खाने की तैयारी। शांति क्या बना रही है तू? तरी वाले आलू बना रही है शांति आज। तो यहाँ पर ना मेरी शाम की पूजा भी हो गई है। तो गाइस हमारी वैक्सिंग वगैरह हो गई है, ब्लीच भी हो गया, फेशियल हमने कर दिया कैंसिल क्योंकि ठंड बढ़ गई है, शाम हो गई है। अब हम सोच रहे हैं कि अब जो है जरा पैकिंग शुरू कर लेते हैं, क्योंकि कल जो है शायद या तो कल या तो परसों हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए। पैकिंग में एटलीस्ट 2 दिन तो लगेंगे, क्योंकि हमें 3-4 दिन की पैकिंग करनी है दिल्ली के लिए, और 3-4 दिन में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। तो शावर का सारा सामान रखना पड़ेगा, मेकअप तो हमने कर लिया था सारा, कपड़े रखने पड़ेंगे सर्दी के, और सॉक्स वगैरह और शादी में क्या क्या पहनना वो सब भी अरेंज करना है। और आज मेरी साड़ी आने वाली थी, वो अभी तक आई नहीं है, एक बार उनको भी कॉल कर लेते। तो इस बार ना हम लोगों ने सोचा है मैंने और पान ने कि बेफालतू का ना कोई भी कपड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बहुत सारी पैकिंग कर लेते हैं और फिर वो पैकिंग ना एज इट इज की एज इट इज वापस आती है। तो जो फंक्शन में पहनना होगा ना वही रखेंगे, और नाइट सूट रखेंगे। अगर 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो 2 नाइट सूट इनफ है, मतलब 2 मेरे 2 पायल के और 2 लक्ष्य के। तो ये सारी ज्वेलरी है जो हमने सिलेक्ट करी ले जाने के लिए, और सारी जो ज्वेलरी है ना हमारी वेलवेट बाय श्वेता है, वेलवेट बॉक्स बाय श्वेता से ले हुई ज्वेलरी है, और यही सारी ज्वेलरी जो है हम लेके जा रहे हैं साथ में, पूरा इतना भर चुका है यहाँ पे। तो मेरी ज्वेलरी का डब्बा जो है वो बिल्कुल पैक हो गया है, अब हम जा रहे हैं कपड़े पैक करने। कपड़ों में ज्यादा कपड़े नहीं रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा हम बहुत ज्यादा कपड़े रखे जाते हैं पर वो यूज नहीं हो पाते हैं। इस बार हम सिर्फ 2-2 जोड़ी नाइट सूट रखेंगे, क्योंकि 4 दिन अगर रुकना है तो 2 जोड़ी नाइट सूट बहुत है। और उसके बाद हमें सलोन जाना है दिल्ली में जाके, तो उसके लिए एक ड्रेस रखनी है, बाकी सब सूट साड़ी ही रखना है। अगर हम 22 को भी निकलेंगे, 23 को पहुंचेंगे, तो 23 को हल्दी है, फिर मेहंदी है, फिर शादी है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग सूट साड़ी ही चलेगा। तो यहाँ पे जो आपको कपड़े दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चीकू के हैं, चीकू के ये सारे ड्रेसेस जो है ड्रैकलिंग होके आ रखे हैं। इसमें से कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, ये उसकी स्कीवी है, ये उसके बनियान और अंडरगार्मेंट है, ये नाइट सूट 3 रखे हैं मैंने उसके, ये वॉर्म वाला एक ट्रैक सूट रखा है, बाकी इसके 2 कोट शेरवानी वो सब बाहर निकाल के रखा है, वो तो टांग के लिए जाने पड़ेंगे वरना खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर ना एक फ्रेश टॉवल भी रख लिया चीकू के पापा के लिए, क्योंकि देखो वैसे तो हम लोग होटल में जा रहे हैं बट फिर भी टॉवल होना चाहिए, रस्ते में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और इधर ना मैंने चीकू के लिए उसका कोना भी रख लिया, क्योंकि चीकू जब भी होटल में जाता है पायल जाके बोलता है ना मम्मी कोना दो, तो हमें दोनों को बहुत दिक्कत होती है, जब भी कोना मांगेगा ना तो उसको एक कोना दे दूंगी, उसको आदत है ऐसे पकड़ के सोने की। तो गाइस आज ना मैं बहुत सारी मेडिसिन खा रही हूँ, मतलब ये लगा लो कि आज मैं एसिडिटी की गोली भी खा रही हूँ पैन वाली, क्योंकि सुबह से ना मैं पायल को बोल रही थी 2-3 बार कि मुझे ऐसा एसिडिटी जैसा फील हो रहा है, तो वो भी खा रही हूँ, साथ में एल्ट्रेक्स भी खा रही हूँ। क्योंकि क्या है एल्ट्रेक्स की गोली ना डॉक्टर ने बोला था जब आपको इचिंग हो ना बॉडी में तभी खाना, तो आज थोड़ी इचिंग जैसा लग रहा है तभी मैं खा रही हूँ। तो इस वाले में ना पायल ने सब कुछ ना फंसा दिया है, चीकू के लिए हेयर बैंड, हमारे क्लचर, हेयर रफल्स, और हमारे जो फ्रेश लुक के लेंसेस थे ना हेजल और ग्रे वाले वो भी। तो यहाँ पे ना हमने ये वाला सामान भी निकाल लिया, सारा शैम्पू निकाल लिया, टॉयलेट रोल निकाल लिया, वाइप्स निकाल लिया, क्योंकि वाइप्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, कभी कभी मन नहीं करता फेस वॉश करने का। साथ में हमें फ्री सैंपल मिले थे ना कि अब काम आएंगे, चीकू के लिए बॉडी वॉश, चीकू के पापा के लिए शैम्पू, सब कुछ निकाल लिया। तो यहाँ पर ना पायल ने ना बैग्स निकलवा दिए और पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया हमने सामान, मतलब पैकिंग तो हो गई है सामान डाल रहे हैं। तो ये वाला जो बैग आया था ना, तब मैंने पायल को कहा था मैंने कि ये बैग ना बच्चों के डायपर के लिए रखेंगे ना पायल, बट ये बैग अभी काम आ रहे हैं। तो गाइस फाइनली ना चीकू का जो लगेज है वो हो गया है पैक, बस अब मेरी और पायल की टर्न है। चीकू के पापा की पैकिंग अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है पैकिंग करने की अभी, वैसे भी वो है नहीं, चीकू है नहीं, उनकी पसंद के कपड़े रखेंगे तो पता लगे हम लेके कुछ और जाए, उनको पहनना कुछ और हो। तो गाइस हमारी आउटफिट आ गई है, ये है हमारी मेहंदी की, हल्दी की, मेहंदी ग्रीन मेहंदी होती है, मेहंदी की आउटफिट। इसके ऊपर जो है ये सूट है, दिखा देती हूँ आपको, और ये नीचे सूट वो है शरारा, और इसके बाद कॉन्ट्रास्ट में ना दुपट्टा है। अच्छा येलो दुपट्टा। और जो ये वाला सूट है ना ये थोड़ा हमने वार्म ही रखवाया है, थोड़ा सा देखने में थोड़ा वो हो रहा होगा, उल्टा रख लिया मैंने, वेल्वेट का करवाया है और लूज करवाए हैं ताकि हमें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल ना लगे, सिर्फ वार्मर भी पहन सकते हैं। हाँ सही है, लूज करवाया, ये बहुत बढ़िया करा, और इसका दुपट्टा बहुत ही सुंदर है।
नेट वाला दुपट्टा है। तो गाइस खाना वाना सबका हो गया डन एकदम, मैंने भी खा लिया, पानी भी खा लिया, चीकू ने भी खा लिया। बेटा आप सुबह से गायब थे आप, ठीक है अब सो जाओ। तो चीकू यहाँ पे खा रहा है मूंगफली की पट्टी, अब वहाँ पे पाल को भी दी है मूंगफली की पट्टी। मैंने कहा चलो यार यार ये पट्टी कहाँ से ली थी हमने, याद नहीं आ रहा है। अच्छा ये भाभी के, गाइस भाभी के घर पे फंक्शन था ना, उस टोकरी में थे, बहुत टेस्टी पट्टी, इसमें ड्राई फ्रूट भी लगी है। चीकू आप कुछ बोल रहे थे? नहीं। मम्मा कहा आपने अभी? हाँ मेरे कान बजे। ओके तो गाइज यहाँ पे ना दो जो लगेज है पैक हो गई है, एक में चीकू का सामान है और एक में हमारा सामान है। तो दो लगेज तो अच्छे से पैक हो गया, अभी भी इतना सारा सामान है ना फैला हुआ है, तो अभी इन सामानों को हम यहाँ ही छोड़ रहे हैं। यहाँ पे नितिन भैया के कपड़े हैं वो भी आ गए हैं, ड्रैकलिन वाले कपड़े, तो भैया को बोला कि जो आपके ड्रैकलिन वाले कपड़े है ना वो आप ड्रैकलिन ही रहने दो, एज इट इज के एज इट इज डाले ना, वहाँ पे काम आ जाएंगे। तो अभी नितिन भैया की पैकिंग, चीकू के पापा की पैकिंग और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी अभी हमें पैक करनी है, पर अभी नहीं करेंगे कल करेंगे। और आज भैया नए कपड़े भी लेकर आए ज्यादा से। और गाइज मेरे ना गाल पता नहीं क्यों लाल हो गए, इतने ज्यादा गर्म हो रहे हैं ना, कान और गाल दोनों इतने गर्म हो रहे हैं, पता नहीं कैसे। सर्दियों में ना मोस्टली ऐसा होता है जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं ना तो कान में से धुआं जैसा आता है, तो मेरे गालों से आ रहा है। तो गाइस किचन में सब्जी भी बाहर रखी हुई है, तो ये भी अंदर रख देती हूँ, और साथ साथ ना वहाँ पे भी सामान पड़ा है वो भी अंदर रख देती हूँ। और क्या बोलते हैं, वैसे अपना टाइम से सोते हैं, चीकू के पापा भी बाहर गए हैं किसी काम से, वो भी आने वाले होंगे, तो पता नहीं आकर डिनर करेंगे नहीं करेंगे। तो अभी रोटी तो मतलब कि खत्म हो गई है, तो बना के नहीं रख रहे, जब भी वो आएंगे तो फ्रेश रोटी बन जाएगी, क्योंकि सर्दियों में क्या है रोटी ना आधे घंटे क्या 10 मिनट में ठंडी हो जाती है, तो मजा नहीं आता। गरम गरम रोटी बंदा एक एक्स्ट्रा भी खा लेता है, पर ठंडी रोटी ना खानी जाती। तो यहाँ पर ना पायल ना चीकू का साफा ढूंढ रही है और पजामी ढूंढ रही है, क्योंकि चीकू के एक शेरवानी थी तो सपना दीदी शादी में लेकर आई थी, तो वो बहुत सुंदर शेरवानी थी, चीकू ने पहनी नहीं थी, तो उसकी एक गोल्डन लेगिंग है और एक साफा सा है साइड में, तो वो ढूंढ रही है। मेहनत करने के बाद भी ना चीकू का वो तो मिला नहीं मुझे, ये एक व्हाइट कलर की पैंट मिली है, ये शायद जो है ना उसके शेरवानी के साथ चला जाए। फिर भी एक बार सुबह ना वोला बेड खोलूंगी, अभी तो हिम्मत नहीं है बेड खोलने की, वोला बेड खोल के अगर उसमें मिल गया मुझे ऐसा लगता है शायद वहां मिल जाएगा, तो वहां से निकालूंगी। इतना शांति रोटी कम बना के गई थी, तो चीकू के लिए रोटी पड़ गई है कम, यहाँ पे गोलू बना रही है परांठे, और नितिन भैया के लिए रोटी भी नहीं बची। लच्छे वाला परांठा कह रहा है, तेरा धनिया भी डालना। नहीं खाएगा गोलू, लास्ट मेरे को पूछ, नहीं खाएगा, मुझे पता ना नहीं खाएगा, मत डाल, उसको ये नहीं पता धनिया किसको कहते हैं। तो गाइस पैकिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, और जब पता हो ना कि पूरे परिवार की पैकिंग करनी है तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। अब ये अच्छा किया हमने आज पैकिंग शुरू कर ली है, कल तक पैकिंग जो है ना पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी भी सिर्फ अरमान जी की पैकिंग बाकी है, नितिन की पैकिंग बाकी है, और मेरी और गोलू की थोड़ी सी पैकिंग बाकी है, चीकू की पूरी पैकिंग हो गई है, लक्ष्य ने भी अपनी पैकिंग कर ली। यहाँ पे ना चीकू का गर्मा गर्म आ गया लच्छा परांठा, और चीकू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपको कितनी बार समझाया ना पापा ने बाल पीछे किया करो। हाँ हेयरबैंड कहाँ आपका? आपने तोड़ दिया हेयरबैंड? तो अभी ना चीकू को खिलाते खिलाते मैंने एक बाइट खाई थी और इतना टेस्टी लग रहा था, इतना टेस्टी लग रहा था कि चीकू ने खा लिया। मैंने गोलू को बोला कि एक मुझे भी दे दे, मेरा खाने का इतना मन कर रहा है घी के साथ ये लच्छा परांठा, मैं खा लेती। तो गाइस आज ना मेडिसिन तो मैंने शाम को ही खा ली थी, और बाकी रही बात चीकू के दूध की, चीकू को मैंने दूध दे दिया, मेरा और पायल का दूध रह गया, बस मैं पायल और अपना दूध गर्म करने जा रही हूँ। और आज ना पता नहीं मुझे, आज नहीं मतलब एक घंटे से ऐसा लग रहा है कि ना तबीयत थोड़ी लो सी लग रही है, आंखों में पेन सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, मतलब वीकनेस ही फील हो रही है, ये नहीं पता क्यों। तो गाइस बस पैकिंग वैकिंग जितनी करनी थी आज कर ली है, अब जा रहे हैं हम सोने। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने हमारा गाना नहीं देखा है अभी तक मटकी जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गाना देख लीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।